नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए एग्रीगेट फंक्शंस में अगला फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है एवरेज। अच्छा, तो बहुत से लोगों को ये पता ही होगा, बट जस्ट हम क्योंकि वो सीरीज कवर कर रहे हैं, मैंने सोचा इसको भी कर लेते। तो तुरंत हम यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करके कुछ रैंडम नंबर्स को जनरेट कर लेते, एक से मान लो 1000, कंट्रोल एंटर, कॉपी करके पी स्पेशल कर लेंगे ताकि वैल्यूज चेंज ना हो, एस्की, और इसके नीचे हम लगा देते एवरेज इज इक्वल टू एवरेज। टैप कर लो, अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आपको एक एवरेज मिल जाता है। एवरेज हम अगर मैन्युअली निकालना चाह रहे तो हम क्या करते हैं, सम डिवाइड करते काउंट से, सम डिवाइडेड बाय काउंट, पर वो करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि रेडीली यहाँ पर एवरेज फंक्शन अवेलेबल है एक्सेल में। तो बड़ा सिंपल है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी जब हम टाइप करते हैं ऐसे कई सारे फंक्शन दिख जाते हैं तो कभी कभी हमें सवाल आता है, अच्छा एवरेज के नीचे एवरेज ए है तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। तो ये लगा लेते हैं हम यहाँ पर एवरेज ए, वही डेटा को कॉपी किया ताकि हम कंपेयर कर सके दोनों को, तब तक तो ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पर भी एक टेक्स्ट लिख दिया, तो दोनों के नंबर्स कम हो गए, बट एवरेज में देखो आपको सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है। तो क्योंकि हमने अभी काउंट ए देखा है पिछले वीडियो में, हम इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। काउंट ए क्या करता है, सबको काउंट करता है, उसी तरीके से एवरेज ए क्या करेगा, सबका एवरेज निकालेगा। लेकिन मैंने कहा कि एवरेज कैसे होता है, सम को काउंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एवरेज फंक्शन है ये सम डिवाइडेड बाय काउंट है प्योरली, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये आंसर आएगा। और टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो वैल्यूड होता है वो, मतलब नंबर नहीं होता है, उसको अगर आप सम में लोगे भी फिर भी सम पे डिफरेंस नहीं होगा उसका। और फिर हम इज इक्वल टू काउंट लगाते हैं और हमें मालूम है कि काउंट क्या करता है, काउंट नंबर्स को काउंट करता है सिर्फ। तो अब यहाँ पर 8 आ रहा है, अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे सम का आंसर काउंट के साथ तो ये आएगा 382.375। यहाँ देखिए स्टेटस बार में न्यूमेरिकल काउंट 8 है लेकिन टोटल काउंट 9 है क्योंकि एक टेक्स्ट का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सम ले लेते हैं इसका और फिर यहां पर काउंट के बजाय काउंट ए ले लो। अब अगर आप दोनों को डिवाइड कर लोगे तो डेफिनेटली थोड़ा एवरेज कम हो जाएगा क्योंकि काउंट बड़ा है यहाँ पर। तो एवरेज सिर्फ मैंने बताने के लिए आपको यहाँ पर दिखाया है वीडियो में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हम अक्सर एवरेज ही इस्तेमाल करेंगे, मैंने खुद ने कभी एवरेज ए इस्तेमाल होते हुए देखा नहीं, पर फिर भी जानना आपके लिए अच्छा हो सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एवरेज का मतलब है काउंट सम डिवाइडेड बाय काउंट, और एवरेज ए का मतलब है सम डिवाइडेड बाय काउंट ए, और क्योंकि वो सबको काउंट करता है तो डिनोमिनेटर बढ़ जाता है इसीलिए एवरेज कम हो जाता है। तो इतना ही इस वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया, बने रहिए, धन्यवाद।